हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग यूपी टेट का जो 2019 का मैथ्स का पेपर था, ठीक है, उसको हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इसमें आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ 15 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग जो लोग पहले से ही जुड़े हैं उनको पता ही है। ये देखिए, मैंने स्टार्ट भी किया था लेकिन एक कॉल आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि स्क्रीन पे आ जाएगी, इसलिए मैंने उसको मतलब दोबारा ये नोट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए पूरे 30 क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं 15 क्वेश्चन ही इस वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि जो लोग पहले से ही मतलब मेरे चैनल पे हैं और जिन्होंने मैथ्स की पहले भी वीडियो देखी होंगी उनको पता होगा मैं क्यों ऐसा करता हूं। क्योंकि जैसे बैक कैमरे से रिकॉर्ड करने पर लगभग 10 GB की वीडियो बनेगी, अगर अगर तीन अगर 300 क्वेश्चन करवाऊं मैं, ठीक है, तो 10 GB की वीडियो को अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत होती है मोबाइल से। तो इसलिए मैं लगभग आधी मतलब 15 क्वेश्चन यहाँ तक करवाने की कोशिश करूंगा। यहाँ 15 क्वेश्चन आज करवा दूंगा और 15 क्वेश्चन अगली वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसको, और फिर अगर जैसा भी आपको लगे लास्ट में वीडियो, आज पहली वीडियो है मैथ की, इसमें यूपी टेट की, जो लोग नए हैं वो लोग भी और जो लोग पुराने हैं सभी लोग, जैसी भी लगे वीडियो हमें जरूर बताइएगा, ठीक है, उसी हिसाब से अगली वीडियो मतलब अगर कोई कमी होगी तो आगे उसको सही कर लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल होगा। एक और बात मैं बता दूं कि देखिए सबके लगभग मैं प्राइमरी लेवल के ही पेपर करवा रहा हूं, क्योंकि सुपर टेट आने वाला है और सुपर टेट की क्लासेस भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा 5-6 दिन में, ठीक है, और उनकी पूरी तैयारियां लगभग हो गई हैं सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पर ये जो पेपर है मैं सबके प्राइमरी लेवल के यूपी टेट सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन जो मैथ्स का पोर्शन है वो मैं सोच रहा हूँ कि गणित के पिछले 3 साल मतलब 19, 18 और 17 को, और जो जूनियर लेवल है जूनियर और प्राइमरी दोनों के 3-3 साल के करवा दूँ, 6 साल ये करा दें, ना कि मतलब बाकी सारे जैसे CDP है उसमें मैं प्राइमरी लेवल के 11 से लेकर 2011 जब से यूपी टेट शुरू हुआ तब से आज तक के मैं करवाऊंगा। हिंदी का मैं डाल चुका हूँ 2011 से लेकर 2019 तक का, ठीक है, लेकिन मैथ्स के पोर्शन में सिर्फ 3 साल का करवाऊंगा, क्योंकि इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें 15-15 ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल होगा। 120 मीटर स्क्वायर, 132 मीटर स्क्वायर, 289 मीटर स्क्वायर या 112 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पहले पॉज कर लीजिए और लगा के देखिए, जिन लोगों को आता है वो लोग थोड़ा सा लगा के भी देखें और फिर आंसर अपना चेक कर लें, ठीक है, और जो लोगों को नहीं आता है वो लोग यहाँ पर देखें, ठीक। अब देखिए आयताकार है, ठीक, आयताकार खेत है, 17 मीटर इसका विकर्ण है, या तो ये विकर्ण होगा या तो AC होगा या BD, तो इसको मान लिया, ठीक है, 17 मीटर हो गया। इसकी जो लेंथ है वो L मान ली और जो ब्रीथ है चौड़ाई है वो B मान ली, ठीक है, अब तो इतना कंफर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए विकर्ण कितना है, आंसर इसका लाना है, तो विकर्ण कितना है, विकर्ण बराबर, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण कैसे निकलता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है, जब भी आयत 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 का विकर्ण ऐसे निकलता है, ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो विकर्ण आपका 17 दिया गया है, 17 मीटर, तो 17 ये हो गया, लंबाई आपकी L स्क्वायर, ठीक, प्लस B स्क्वायर, ठीक है, लंबाई चौड़ाई हो गई। अब ये रूट हटाने के लिए आपको इधर 17 को स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक, इधर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, रूट आपका हट गया, इतना तो उम्मीद है आप लोगों को पता ही होगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, सबको रटा होना चाहिए, 289 होता है, ठीक है, 289, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितना है, 289, ठीक है। अच्छा, पूछा क्या गया, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब L इंटू बी, इतना ये पूछा गया आपसे, ठीक है, L इंटू बी निकालना है, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इतना आ गया। अब दिया गया है परिमाप, परिमाप कितना है, यहां पे देखिए परिमाप बराबर है 46 मीटर, ठीक है, और परिमाप होता क्या है, 2 गुणे लंबाई है L प्लस चौड़ाई बराबर 46 मीटर, ठीक है, तो ये L प्लस B ऐसे ही रहेगा 46, और ये गुणे में है इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 2 से काटिए ये बचेगा 23, ठीक, तो L प्लस B बराबर बचा है 23, ठीक है, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब इससे क्या करना है, इन दोनों की सहायता से अब एक चीज निकाल लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, समीकरण 2 का स्क्वायर करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये L प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर,
ठीक है, समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, एक बार समझ जाएंगे तो जल्दी से भी ये लग सकता है। ठीक है, तो यल इसका कैसे होगा, यल यल प्लस बी का स्क्वायर, तो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ ए की जगह एल है और बी की जगह बी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb बराबर 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, कम से कम 20 तक के तो स्क्वायर, वैसे 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, एक बार मैंने इसके लिख के भी दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू ऊपर देखिए, यहाँ पर निकल आई थी 289। ठीक, बस इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, 289 प्लस 2lb बराबर 529। ठीक, 2lb इधर ही रहेगा, 529 उधर है, और इसको पक्षांतर करेंगे। ठीक है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये जब प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस में, 289। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 2lb बराबर 529 में से 289 घटा दिए। ठीक है, 529 में से 289 जब घटा देंगे तो बचेगा 240। ठीक है, तो एल बी बराबर कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, एल बी बराबर कितना आ जाएगा 240, और ये गुणे में 2 था, ये बटे में चला जाएगा, 2 से काट दीजिए, ये बचेगा 120। एल इंटू बी बराबर कितना आ गया, 120। यही आपसे पूछा गया था, मतलब 120 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपका ऑप्शन कौन सा 120 मीटर स्क्वायर है, पहला ही है। ठीक, तो पहला जो आंसर क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहला ही होगा, 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दूसरा, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कितना इजी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आया था वो है, यहाँ पे देखिए 2 की घात -1, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर बड़ा ब्रैकेट के ऊपर -1। अब इसको कैसे करना है, सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जिसको आता हो वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, स्किप कर सकते हैं। तो देखिए क्या पूछा गया, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर पता चल जाएगा क्या क्या चीजें हैं। अब 2 की घात -1 ये कैसे आता है, आपको जब घातांक पढ़ाएंगे अभी सुपर टेट क्लास में तो आप लोग समझ सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा उनको पता ही होगा। ठीक है, यम की पावर माइनस वन, इसका मतलब होता है 1/m। ठीक है, तो 2 की घात -1 है तो इसको तो लिख सकते हो 1/2। ठीक है, 1/2 लिख सकते हो। ठीक, और फिर -1 है। ठीक, -1, अब देखिए ये -1 है, अब इसकी अगर गुणा करेंगे तो देखिए -1 का मतलब है, अगर इसको अंदर ले जाएंगे तो 2 की पावर -1 है। ठीक है, अगर 1/m की पावर -1 है तो ये ऊपर जाके कितना प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यम की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 की पावर -1 है तो ऊपर जाएगा जब, तो ये हो जाएगा 2, सिर्फ 2 आएगा आंसर। ठीक है, 2 आएगा, ये जब इसके फॉर्मूले पढ़ाऊंगा तब आपको आसानी समझ में आएगा। ठीक है, अब 2 क्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक, तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 पहली जो सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 होती है। ठीक, तो अभाज्य संख्या तो है ये। ठीक है, अभाज्य संख्या मानी जाएगी। फिर इसके बाद देखिए, फिर ये हो गया अभाज्य संख्या, हो गया सम संख्या भी है, 2 का गुणक भी है, विषम संख्या नहीं है। तो ए बी और सी किसमें है, तो चौथा होगा। ठीक है, ए बी और सी। ठीक, तो ये होगा इसका राइट आंसर, ए बी और सी। ठीक ठीक है, तो ए बी सी ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। ठीक, सब एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। ठीक है, कोई कौन सा कथन सही है पूछा गया, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है। ठीक है, 1 नहीं होती है। ठीक, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, हाँ ये है, एक भाज्य संख्या, देखिए एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। ठीक है, 9 है। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, ये विभाजित हो सकती है। ठीक, ये भाज्य और विषम भी है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है बस। ठीक है, बाकी सारे गलत है, कथन 1 सही पूछा गया था। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, अब ये एक सरल रेखा है। ठीक है, इसमें चाहे जितने आप बिंदु रख दीजिए, ठीक, असंख्य इसमें होगा, आंसर होगा असंख्य।
ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जो सॉल्व करने वाले हैं उनके लिए सॉल्व सॉल्यूशन है, और जो ऐसे बताने वाले हैं उनको ऐसे। ठीक, अब ये देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या, इसमें लोग काफी फंसे थे। ठीक है, तो मतलब इन्होंने कहा है बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर। ठीक, तो बहुभुज के अंतः अंतः कोण माइनस बहुभुज के बाह्य कोण, कोण बहुभुज के अंतः कोण माइनस लगा है, तो मतलब अंतर निकालना है, तो माइनस बहुभुज के बाह्य कोण बराबर कितना है, 60 है। ठीक, 60 डिग्री है, ये लिखा है 60 डिग्री है। ठीक है, तो क्या बताना है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या यन होती है। ठीक है, सूत्र जो अभी देखेंगे, तो बहुभुज के अंतः कोण कैसे निकालते हैं, यन माइनस टू इंटू 180 बटा यन, यन क्या है, भुजाओं की संख्या, माइनस 360 बटा यन, ये हो गया बहुभुज के बाह्य कोण। ठीक, सूत्र, और ये 60, बहुभुज से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो मान लो इतना हो गया, ठीक है, एन माइनस टू इंटू 180 बटे एन, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो सीधे कर सकते हैं। अब अगर एल का एलसीएम ले, दोनों जगह एन है तो एन ही नीचे रहेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करें तो 180 एन माइनस 180 दूना कितना हुआ, 360, माइनस का 360, ठीक है, बराबर 60। अब देखिए ये एन भाग में उधर जाएगा, गुणे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 एन माइनस, दोनों माइनस के हैं तो 360 गुणे 360 प्लस 360 कितना, 720 माइनस के ही हो जाएंगे। ठीक है, बराबर 60 एन। ठीक है, अब इस एन को इधर लाइए, 180 एन को एक तरफ कर दी, एन इधर हो गया माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 60 एन, और ये माइनस में 720 है, ये उधर जाएगा तो 720 प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, एन बराबर 720 डिग्री। ठीक, अब एन का मान निकालना है, एन बराबर कितना हो गया, 720 बटा 120, अब जब काटेंगे बाछंग 72, एन बराबर आ जाएगा 6, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। ठीक है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या क्या है, 8। तो एक चीज देखिए, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा कि उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण होती है, कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इन तीनों में तो आपको समझ ही जाएंगे, इनके और इसका स्क्वायर का जोड़ कर दे तो इसके स्क्वायर के बराबर नहीं पहुंचेगा, ये आप लोग देख के समझ सकते हैं। ठीक है, आपको पाइथागोरस त्रिक बनाना है, इसलिए आपको ऑप्शन सही लगा लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पहला ही उठा के देखिए, तो पहले में कितना होगा, 8 8 64, ठीक है, 64, और 15 15 में 225। ठीक, और 17 का पहले 8 का स्क्वायर, सीधे ऐसे समझिए 8 का स्क्वायर, नहीं तो कुछ लोग समझ ही नहीं पाएंगे, 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, देखिए सबसे बड़ी भुजा के बराबर मैंने ये करके देखा, तो ये हो गया 64, ये हो गया 225, याद होने चाहिए आपको, ये हो गया 289, देखिए 289 ये हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5 4 9 6 2 8, 289 बराबर 289। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, यही आपका सही आंसर होगा, पाइथागोरस त्रिक यही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। ठीक है, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4 1 7 जेड 8 9 से विभाज्य हो, तो जेड का मान ज्ञात करना है, यहां पर कौन सी संख्या होगी। तो एक चीज आप लोगों को मैंने जूनियर की क्लास में बताया भी था कि जब भी कोई संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है, सबकी विभाज्यता के नियम मैंने बताए थे कि 9 से विभाजित होने के लिए जो ये संख्या है, ठीक है, इसका योग भी 9 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे देखिए 729 जो है वो 9 से विभाजित है, ठीक, 9 से विभाजित है, तो इनका योग देखिएगा 7 7 2 9 9 2 18 18, देखिए 18 9 से विभाजित हो जाता है, 9 2 18, देखिए पूरा पूरा कट जाता है। इसी तरीके से कोई भी अगर ऐसी संख्या होगी जो 9 से विभाजित होगी तो उनके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। अब यहां पे देखिए जोड़ लीजिए, 4 1 7 z 8, ठीक, अब देखिए कितना हो गया, 4 1 5 और 7 5 12 और 8 20, 20 प्लस जेड,
अब 20 में कितना जोड़ें कि ऐसी संख्या बन जाए जो 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 20 के पहले तो 18 होती है, 18 9 से विभाजित हो जाती है, और उसके बाद अगर कोई संख्या होती है तो वो होती है 27। और 27 बनाने के लिए इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा, तो 7 ही इसके राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 27 जो संख्या है अगर इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 27 हो जाएगा, 7 27 आपका 9 से विभाजित हो जाता है पूरा पूरा। ठीक, बहुत ईजी था। अब ये देखिए ये क्वेश्चन, और एक चीज और है, ये प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, मैं जब 2018 वाला पेपर कराऊंगा, ये 19 का है, तब भी आपको इसमें से भी क्वेश्चन मिल जाएगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल जाएगा, और पीछे भी मतलब कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, ठीक। तो यहां पर देखिए अब इस तरीके का, 2160 बराबर 2 की घात a गुणे 3 की घात b गुणे 5 की घात c, तो 3 की घात a गुणे 2 की घात -b गुणे 5 की घात -c का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, जिसको आता है वो लोग सॉल्व करके देखें, बाकी लोग यहाँ सोल्यूशन देखें। ठीक, तो 2160 का क्या करना है आपको, करना है गुणनखंड 2160 का, तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2 0 हो जाएगा, 2 8 16 0 हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 5 10 2 4 8 फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 2 9 4 2 7 14 फिर हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 2 3 6 2 5 10 135 हो जाएगा, फिर अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखिए, 3 से कट जाएगा, 3 6 12 3 5 15 45 आ जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 3 3 5 15, ठीक है, फिर 3 से 3 5 15, ठीक, और फिर होगा 5 1 5। ठीक, तो इसको किस तरीके से इन्होंने लिखा है, इसको लिखा है, अब देखिए 2160 को कैसे लिख सकते हो, 2160 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 है और 3 बार 3 है, गुणे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणे में 5। अब देखिए 4 4 बार 2 3 बार ये और ये से ऐसे अगर लिखोगे तो इसको लिख सकते हो 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5। ठीक, और 2160 को इस तरीके से भी लिखा गया है, 2 की घात a। ठीक, जैसे यहाँ पे 2160 को दो तरीके से लिख, ये तो यहां से निकल के आया है, और 2160 बराबर ये दिया भी गया है, 2 की घात a गुणे 3 की घात b गुणे 5 की घात c। ठीक, तो 5 तो एक ही बार है। अब देखिए आप लोग इससे तुलना करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 की घात 4 है या 2 की घात a, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3, और c बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, c यहां पर है और यहां पर 1 है, तो c बराबर 1, b बराबर 3 और a बराबर 4। ठीक, अब आप लोग वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, 1 3 की घात a गुणे 2 की घात -b गुणे 5 की घात -c, इसकी वैल्यू निकालनी है, 3 की घात a, 3 की घात a कितना है, a की मान है 4। ठीक है, a का मान है 4, फिर 2 की घात -b, b का मान है 3। ठीक है, गुणे में 5 की घात -1, क्योंकि 1 वैल्यू है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणे में, ये माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए घात को बटे में कर दो, 2 की घात 3 हो गया, तो 2 की घात 3 को 2 की घात 3 में 3 बार लिख दीजिए। ठीक, गुणे में 5 है, 5 घात -1 है, इसको 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस में करने के लिए, अभी पीछे मैंने बताया था, तो ये कितना होगा, 3 3 9 3 27 3 81। ठीक, ऊपर तो हो गया 81 क्योंकि बाकी 1 1 है, नीचे हो गया 2 2 4 2 8 5 40। ठीक, तो 81/40 कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81/40 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें आया था पार्श्व वाक्यति द्वारा यक्ष का मान ज्ञात कीजिए, अब यक्ष इसका मान ज्ञात कीजिए, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए 2 2 के सामने 8 है, 2 की घात 3 बराबर कितना हो गया, 8, फिर 3 की घात 3 के सामने 27 है, तो 3 की घात 3 बराबर 27 है। ठीक, 4 की घात 3 अगर करेंगे तो 4 6 16 6 64, 4 के सामने 64 है, तो 1 की घात 3 करोगे तो 1 ही तो आएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट है, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जाता है, किया जा सकता है, से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, या आवृत्ति बहुभुज द्वारा, या आयत चित्र द्वारा। तो जब भी बंटन का बहुलक अगर कभी भी ज्ञात करना होता तो हमेशा आयत चित्र द्वारा ही ज्ञात किया जाता, आयत चित्र के द्वारा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है,
इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। अभी एक चीज आपको मैं बताने वाला हूं, ये आपका 2019 का पेपर है, ठीक है, 2019 प्राइमरी का पेपर। और जो आपका 69,000 वैकेंसी है, 69,000 वैकेंसी में भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया था, बस यहां पर था 25%, ठीक, इसमें है 60%। इसलिए प्रीवियस पेपर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप लोग चाहें, जिसको भरोसा ना हो वो लोग देख सकते हैं, 69,000 भर्ती में आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पर बस 25% होगा और उसमें शायद आंसर जो आएगा वो शायद 20% होगा, ठीक है, 20% की कमी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो यहाँ पर कमी पूछी गई, प्रतिशत कमी, कमी का फॉर्मूला होता है की गई वृद्धि, की गई वृद्धि, दो में से अब आयत है तो दो में से एक में ही की गई होगी, की गई वृद्धि, ठीक है, की गई प्रतिशत वृद्धि, सॉरी, की गई प्रतिशत वृद्धि बट्टे में हो जाएगा आपका 100 प्लस की गई प्रतिशत, की गई प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, गुणे में 100। अब देखिए प्रतिशत कमी निकालनी है तो की गई वृद्धि कितनी है, वृद्धि कितनी 60% की गई है तो 60 रख दीजिए, प्रतिशत कमी वृद्धि रखनी है, बटे में 100 प्लस की गई वृद्धि ये भी 60 रखनी है, गुणे में 100, ठीक है। अगर प्रतिशत कम वृद्धि पूछी जाए, वृद्धि जब पूछी जाएगी तो यहां पर कमी रखनी होगी, प्रतिशत कमी रखनी होगी क्योंकि कमी यहां पर भी और कमी यहां पर, और यहां पर हो जाएगा माइनस, बस आप वृद्धि निकल आएगी, ठीक है, वो आपको जब टॉपिक वाइज समझाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 60/160 × 100, ठीक, 0 0 कट गया, अब जब इसको कितना हो जाएगा 600/16 16 3 48, ठीक, 16 6 64 ज्यादा हो जाएगा, 16 3 48 16 70, ठीक है, ये आएगा आपका 37.5%, आंसर आपका है तीसरा राइट आंसर, ठीक है, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं है। अगर यहाँ पर बाई चांस दिया गया होता कि प्रतिशत वृद्धि दी गई होती, ठीक है, प्रतिशत कमी दी गई होती और वृद्धि पूछी जाती, तो वृद्धि में क्या होता, यहाँ पर वृद्धि कमी रखना होता दोनों की जगह पर और यहाँ पे माइनस हो जाता, बस बाकी सारा वही रहता। जब इसका टॉपिक समझाएंगे तब, मतलब सिलेबस के जब पढ़ाएंगे पूरा सुपरटेट में, तब ये चीज आपको समझा दी जाएगी। ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा आया था 2019 में, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको समझने के लिए एक मिनट, स्केल स्केल जाए, ठीक है, स्केल जैसे यह आप सुन लीजिए, ऐसे मत करें, टाइम लगेगा, ठीक है, बराबर 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 होना चाहिए, ठीक है, जैसे ये है, सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी, ठीक, ये हो गया घन, ठीक, ये बन गया घन, ठीक है, ये बन गया घन। इन्होंने बोला है एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, लोग इसमें बड़े कंफ्यूज हो गए। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, ठीक, पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, इसका फॉर्मूला होता है 6 × भुजा 6 × भुजा² ठीक, ये होता है, ये पूछा गया है, लेकिन इसमें कहा गया है एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, ठीक, तो आयतन जो है वो उसके भुजाओं की लंबाई के, भुजाएं इसमें कितनी है, एक ये हो गई, सारी बराबर होती है, 2 हो गई 3 हो गई 4 हो गई फिर 5 हो गई 6 हो गई 7 हो गई 8 हो गई, ठीक, और ये वाली 9 हो गई 10 हो गई 11वीं हो गई और ये 12वीं हो गई, तो कितनी भुजाएं होती है, टोटल होती है 12, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, आयतन इसका क्या होता है, भुजा क्यूब, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है आयतन बराबर भुजाओं की लंबाइयों का, भुजाओं की लंबाइयों का योग, लंबाइयों का योग, ठीक। तो अगर बाई चांस ये घन की भुजा मान लीजिए, भुजा मान ली यक्स है, ठीक है, तो सारी यक्स एक्स बराबर, सारी यक्स बराबर होंगी, ठीक है, यक्स होगी, तो आयतन कितना हो जाएगा, ये भुजा क्यूब होता है, आयतन होता है भुजा का क्यूब बराबर हो गया, भुजाई की लंबाइयों का योग, तो कितना हो जाएगा 12, टोटल भुजाएं कितनी है 12, तो ये हो जाएगी 12 × भुजा,
ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, भुजा क्यूब मतलब यक्ष का क्यूब हो जाएगा, और 12 गुणा यक्ष हो जाएगा। अब यक्ष क्यूब है ये, यक्ष बटे में आ जाएगा, यक्ष क्यूब बटा यक्ष बराबर 12। यक्ष से ये जब कटेगा तो बचेगा यक्ष स्क्वायर बराबर 12। ठीक, कितना बचा, यक्ष स्क्वायर बराबर 12। ये हो गया समीकरण एक। और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6x² हो जाएगा। ठीक, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6x², तो 6 तो आपको पता है, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 12, तो कितना हो जाएगा, 72 वर्ग इकाई। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 72। ठीक, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। भुजाओं के योग, भुजाओं का योग अगर 12 बार 12 वर्ग भुजा मान ली यक्ष है, तो यक्ष को जब 12 बार करेंगे जोड़ेंगे तो कितना, 12x हो जाएगा, तो 12x हो गई। ठीक है, और ये हो गए यक्ष क्यूब, यक्ष एक्स कट जाएगा ये वाला, और यक्ष स्क्वायर बराबर 12 बचेगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² या 6 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर 12 दिया गया, सॉल्व आपका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसमें देखिए, वर्ष 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 रुपए है, वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर वर्ष 2018 के वेतन तक पहुंच गया, वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था। देखिए, इसके दो तरीके हैं, मतलब मैथ्स में लगभग दो तरीके तो होते ही हैं, लगभग मान लीजिए आपके, ठीक है, दो तरीके होते हैं, एक तरीका मैं लगा देता हूं, दूसरा मैंने लगा के इसलिए रख लिया जिससे आपको दिखा सकूं किस तरीके से ये लग सकता है। ठीक है, तो जो मैं अभी पहले आपको लगा के दिखा देता हूं, ठीक है, इसका एक तरीका होता है आपको मिश्र धन वाला। ठीक, अमाउंट बराबर याद होगा, अमाउंट बराबर पी ब्रैकेट में 1+R/100 की पावर n, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। ठीक है, बराबर मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन वाला। ठीक है, एक बार मैं आपको इस तरीके से समझा दूं, 10/100 की पावर n, इसी तरीके से ये सवाल भी लग जाएगा बिल्कुल इसी इसी फार्मूले से, लेकिन यहाँ पे मिश्र धन नहीं है, यहाँ पर है जैसे मिश्र धन है वहां पे हो जाएगा आपका जो वर्तमान वेतन है। ठीक है, वर्तमान वेतन है, ठीक, और वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष 10% और 15% बढ़कर 2018 वेतन तक पहुंच गया। अगर ये जनसंख्या में ये रूल होता तो जनसंख्या का भी, अगर जनसंख्या होती कि 1,26,500 आज जनसंख्या है और इतने इतने परसेंट बढ़ रही है, और 2018 में मतलब 18 में इतनी है, तो 2016 में कितनी थी, तब भी आप इसी फॉर्मूले से लगा सकते हैं। तो मिश्र धन की जगह पर आप ये रख दीजिए, ठीक है, 1,26,000, ठीक, 500 बराबर, ये एक तरीका है, फिर दूसरा तरीका आपको दिखाएंगे, दोनों में जो सरल लगे। ठीक, अब मूलधन आपसे पूछा गया है 2016 में कितना धन मतलब वेतन था, तो उसको यक्ष मान लीजिए। ठीक है, 1+ दर कितनी है, दर जब दो बार दी गई है 10% और 15%, तो पहले 10% को कर लेते हैं, ठीक, एक ही साल का है तो ऊपर तो एक ही रहेगा, ठीक, और फिर इसी में गुणे करके दूसरी भी रख लेंगे, 15/100, एक ही एक साल का है ना दोनों, तो ये हो जाएगा 1,26,500, ये हो जाएगा यक्स, ये हो जाएगा, इसको काटेंगे पीटेंगे नहीं, सीधे सीधे रख लेते हैं, 100+100 = 100 और 10, 110/100 गुणे, ये हो जाएगा इसी तरीके से 115/100। ठीक, अब देखिए, ये यक्स इधर ही रहेगा, बाकी ये 100 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और ये जो गुणे में है ये भाग में चले जाएंगे, 126,500 बटा ये जो 110 गुणे 115, ये नीचे आ जाएगा, और जो 100 गुणे 100 है ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, बराबर यक्स, यक्स ही पूछा गया है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जीरो तो ये आप ऐसे काट दीजिए, ठीक है, पूरा पूरा, ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये काट लीजिए आप लोग, कट जाएगा आराम से, 11 से नहीं कटेगा, 115 से ये कटेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये 0 115 से काटेंगे तो 115 1 115, ठीक है, ये कट के आएगा पूरा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 1150, ठीक है, 0 कट जाएगा तो ये बचेगा 115 115 से 115 कट जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये बचेगा 100 गुणा 100, और यहाँ पे एक 10 बचेगा सिर्फ, ठीक, 10 बचेगा, 10 गुणा 100 गुणा 100, इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, थोड़ा समझाने में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है,
पांच से मतलब 115 से इसको काट देंगे, 0 11 11। ठीक, अरे सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे आपको, मैं समझा दूँ इसको, फिर से समझा दूँ। 126 500 × 100 × 100, हड़बड़ी हो जाती है जब इधर उधर शोर होने लगता है, तो एक मन में आने लगता है कि शोर ना आया इसमें, ठीक है, उसको बचाने के चक्कर में थोड़ा हड़बड़ी हो जाती है। ठीक, ये हो गया। अब इसको काटिए 11 से काटिए, 11 × 11 11, यहाँ बचा एक, इधर बचा छः, तो 11 यहाँ पे होगा 16, 11 × 11 11, 5 बचा, 11 × 5 55। ठीक, एक जीरो बचा है, वो जीरो यहाँ पर आ गया। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब 115 से अगर इसको 1150 काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा। ठीक, 10 बार जाएगा तो ये बचेगा 10 × 100 × 100, 10 × 100 × 100 बराबर x, तो x बराबर आ जाएगा, जीरो सारे आगे लगा दीजिए। ठीक, कितना, 1 लाख, x बराबर 1 लाख, तो 1 लाख रुपए ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका एक तरीका ये भी है, इस तरीके से भी लगाया जा सकता है। माना अमित का 2016 में वेतन, ये क्वेश्चन के साथ ही देख लीजिए। ठीक, माना अमित का 2016 में वेतन x था। ठीक है, 2016 में वेतन कितना था, x था। x का अब देखिए 10% पहले बढ़ गया, तो x का 10%, फिर उसका 115%, पहले 10% बढ़ा तो टोटल कोई वेतन होता है तो 100% होता है। ठीक है, 10% बढ़ गया तो 110%, फिर उसका 115%, बराबर कितना हो गया, इतना। ठीक, अब जब इसको जब सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन लगभग, ये वाली जो नीचे है यही बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगी, और क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आपका 1 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये लग सकता है। ठीक, ये दोनों तरीके हो गए। अब जो दो क्वेश्चन लास्ट हैं आज के, उनको देख लेते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या है, तो इसमें क्या होता है, मासा बराबर क्या है, मासा, मासा है 6, लासा है, एलसीएम है आपका 432। ठीक है, एक संख्या कितनी है, 48 है, दूसरी मान ली, दूसरी बराबर यक्स मान ली, तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक, पहली की संख्या कितनी है, 48 गुणा यक्स बराबर लासा कितना है, 432 गुणे दूसरी मासा कितना है, 6। ठीक, यक्स बराबर कितना हो गया, 432 गुणे 6/48, 6 से काटे 6 8 48, 8 बचा, 8 से इसको काटिए, 8 5 40। ठीक, बचा तीन। ठीक है, तो 8 × 32 x बराबर कितना आ गया, 54, यही आपका आंसर होगा, तो 54 हो जाएगी दूसरी संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट है आज का, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, तो उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। ठीक है, किस तारीख को पड़ेगा ये पूछा गया, और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें काफी लोग गड़बड़ भी कर देते हैं। ठीक है, इसमें काफी लोग गड़बड़ कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, लोगों को लगता है तीसरा शुक्रवार, तो शुक्रवार के पहले लोग सीधे सीधे लेकर निकाल देते हैं कि तीसरा मंगलवार भी फिर निकाल लेते हैं उसी हिसाब से, कि 16 को तीसरा शुक्रवार है तो शुक्रवार एक दिन पहले बृहस्पति होगा, 15 को होगा बृहस्पतिवार, 14 को होगा इसका मतलब 13 को तीसरा, 13 को तीसरा, ठीक है, चौथा पूछा गया, 13 को तीसरा मान लेते हैं, 13 को मान लेते हैं तीसरा मंगलवार, और चौथा फिर कह देते कि 7 दिन जोड़ के 20 तारीख, लेकिन ये गलत होगा, यहाँ पर 20 तारीख इसमें नहीं होगा, इसका आंसर कुछ और होगा। क्यों, अब यहाँ पे देखिए 16वीं तारीख को तीसरा शुक्रवार पड़ता है। ठीक है, 16 को तीसरा शुक्रवार, 16 को शुक्रवार, ठीक, तो इससे पहले वाला पड़ेगा 9 को, 9 को भी शुक्रवार पड़ेगा। ठीक, और उससे पहले पड़ेगा 2 तारीख को, ये शुक्रवार 2 तारीख को भी पड़ेगा। ठीक, तो पहला शुक्रवार, ये पहला शुक्रवार 2 तारीख को है, दूसरा है 9 तारीख को, तीसरा है 16 को, तो शुक्रवार, अब देखिए शुक्र के बाद पहला, 2 तारीख को शुक्रवार है, तो 1 को क्या हो जाएगा, बृहस्पति, तो उससे पहले उस महीने का तो रह नहीं जाएगा, तो पहला मंगल कब पड़ेगा, शुक्रवार के बाद कितने दिन बाद मंगल आता है, शुक्र है, शनि, शनि रवि सोम मंगल, 5 दिन बाद। ठीक है, तो 2 के बाद 5 अगर जोड़ेंगे तो 5 × 2 = 7 तारीख को पहला होगा। ठीक है, 7 को पहला होगा, सॉरी यहां पर देखिए शुक्रवार, फिर शनि, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, चौथे दिन। ठीक है, तो 2 है 4 5
दो है, 3, 4, 5, 6, 6 तारीख को पहला मंगलवार, 6 को पहला मंगलवार पड़ेगा, 6 को पहला मंगल पड़ेगा, फिर 7 दिन इसमें और जोड़ दीजिए तो 13 को दूसरा पड़ेगा मंगल, 13, फिर 20 को तीसरा मंगल पड़ेगा, 20 को तीसरा मंगल पड़ेगा, और 27 को चौथा मंगल पड़ेगा, ठीक, 27 को पड़ेगा चौथा मंगल, कुछ लोग इसमें गलत करके 20 को लगा के आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 15 क्वेश्चन हो गए, और जो कल के क्वेश्चन है ये काफी अच्छे हैं, इनको हम लोग, इनको मैंने मतलब नोट कर लिया, क्योंकि नोट करने में ही सबसे ज्यादा समय लगता है, और ये लगभग सारे सॉल्व करने वाले ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको हम लोग कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी लगी होगी, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।